हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क में एक टर्म होता है फॉर्मेलिटीज चेक पास। तो दोस्तों, ये फॉर्मेलिटीज चेक पास क्या होता है। जब आप न्यू ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ऑफिसर जो है वो उस ट्रेडमार्क को देखते हैं। उनका अल्टीमेटली एम होता है वो ट्रेडमार्क को चेक करना, एग्जामिन करना कि वो ट्रेडमार्क आपको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो जो चेकिंग करते हैं उसको बोला जाता है एग्जामिनर, जो एक सीनियर ऑफिसर पोस्ट है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो या ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको कुछ भी काम है, तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ट्रेडमार्क रिलेटेड वर्क के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि जब ट्रेडमार्क अप्लाई होता है तो वो अल्टीमेटली ऑफिसर चेक करेगा कि वो आपको दिया जा सकता है कि नहीं। लेकिन ऑफिसर बहुत बिजी होता है, तो उसके चेक करने से पहले जूनियर ऑफिसर चेक करता है कि आपने प्रॉपर फॉर्म भरा है या नहीं, आपने प्रॉपर डिटेल्स लिखी है या नहीं, प्रॉपर क्लास सिलेक्ट किया है या नहीं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आता है तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या नहीं किए। तो वो जब जूनियर ऑफिसर चेक करता है और वो देखता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर है, सही है, व्यवस्थित है, तो वो उसमें स्टेटस में लिखता है फॉर्मेलिटीज चेक पास। मतलब उसने फॉर्मेलिटी देख लिया है कि आपकी पूरी फॉर्मेलिटी, जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं, एप्लीकेशन के लिए आपने प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क अभी बेसिक स्टेज में फॉर्मेलिटीज में चेक पास हुआ है। मिल गया आपको इसका संकेत नहीं है वो, लेकिन वो प्रोसेस में है। उसी का ऑपोजिट होता है फॉर्मेलिटीज चेक फेल। फॉर्मेलिटीज चेक फेल में क्या होता है पता है, जूनियर ऑफिसर पहले ही कोई मिस्टेक पकड़ लेता है। जैसे कि मिस्टेक ये होती है कि आपने फॉर्म में ऐसा लिखा है कि आप ट्रेडमार्क प्रपोज टू बी यूज है आपका, लेकिन आपने अटैचमेंट में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट डाल दिया है जो ये साबित करता है कि आप ऑलरेडी वो ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, जैसे GST नंबर उसके नाम से या उसके नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर्स। तो फिर वो फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाएगा। फिर उसके लिए वो जूनियर ऑफिसर आपको एक लेटर देगा, लेटर आएगा आपको कि आपने ये मिस्टेक किया, इसको करेक्ट कीजिए। वो करेक्ट करने के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा TMM। अब TMM क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और जानकारी मिले। और अगर आपका बाई चांस ट्रेडमार्क फॉर्मेलिटीज चेक फेल में आया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा उसको प्रॉपर करके देने में एक नॉमिनल फीस लेके। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।